हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो हम तीनों इंडाइसिस का जो है एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। तो सबसे पहले जो है हम फिन निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा आज पॉजिटिव ओपनिंग देखने के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड मूव किया। उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेस होके क्लोजिंग भी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हमें क्लोजिंग मिला है। तो यहाँ पे एक पैटर्न भी नज़र आ रहा है जो कि पोल और ये फ्लैग टाइप थोड़ा सा दिख रहा है, और जिसका ब्रेकआउट जो है फिन निफ्टी का हो चुका है। यहाँ पे अगर एंड सेशन सेकंड हाफ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट देके काफ़ी अच्छा क्लोजिंग हमें दिया है। तो कल के लिए जो प्राइस एक्शन दिख रहा है का जो है, ये पैटर्न का जो है ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे मार्केट इस तरह से कुछ पैटर्न फॉर्म कर सकता है यहाँ पे। तो कल के लिए हमें रेडी रहना है पॉजिटिव साइड के लिए। तो कुछ इस तरह से मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो इस तरह से कुछ पैटर्न बना सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और थर्सडे जो है बजट भी हमारा पेश होने वाला है, तो तब तक के लिए हम पॉजिटिव मार्केट मान सकते हैं तब तक के लिए। तो आइए अभी देखते हैं कल के लिए कौन से इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं फिन निफ्टी का एक्सपायरी के। तो अगर मार्केट यहाँ पे इसी जोन में अगर ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम डे हाई जो है इसका, आज का जो डे हाई है इसके ऊपर ही लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे, जो कि मैं प्राइस लेवल भी लगा देता हूँ यहाँ पर। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो डे हाई जो अपना डे हाई कल आज का, इसके ऊपर हम बाई करेंगे। तो 20,464 के ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन कंसिडर करेंगे, और जिसका टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला जो कि है 20,522, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 560 का होगा ये वाला, ये जो हाई लगा चुका है मार्केट, ये होगा कल हमारे लिए सेकंड टारगेट 22,563 का। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, ये जो यहाँ पे मार्केट ने दो बार यहाँ से फॉल दिया था, ये 20,612 का, तो ये हमारा होगा थर्ड टारगेट, जो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एक बार। ये वाला हमारा होगा थर्ड टारगेट पॉजिटिव साइड के लिए 20,640 का, 10 से 14 आप पकड़ के चलिए, ओके। और उसके बाद अगर देखेंगे नीचे की साइड में अगर देखेंगे तो नेगेटिव हम कब मानेंगे फिन निफ्टी को, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 300 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। तब तक के लिए ये हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। 300 के ऊपर जो है, ये जो यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने आज दो बार, तो ये जो लेवल है ये मैं यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है 300 के नीचे, इसके नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा शॉर्ट करने के बाद, यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होने के बाद, ये जो आज का डे लो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ये 20,235 का ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये वाला जो है ये हमारा होगा गैप फिलिंग जो है, ये सेकंड टारगेट, और ये थर्ड टारगेट जो है हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है ये वाला 20,183 का, और थर्ड टारगेट जो है हमारा ये वाला होने वाला है 20,147 का। ये नीचे के साइड के टारगेट होने वाले, अगर इसके भी नीचे मार्केट निकलता है, बेरिश होता है, तो ये वाले जो है सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट ने बार बार बाउंस रिजेक्शन लिया था 20,000, हम पकड़ के चलेंगे जो राउंड नंबर है, यहाँ तक के भी आने वाले टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले वीक में, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो है बजट होने वाला है। तो ये फिन निफ्टी के लेवल्स थे इम्पोर्टेंट, आप मार्क करके रख सकते हो। और एक बात, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या ये वीडियो पहली बार अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो ताकि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस वीडियो होते हैं, डेली एनालिसिस वीडियो, इसका फ़ायदा आपको हो सके। तो आप अभी तक अगर आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो
तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया और कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है, एक पोल एंड फ्लैग यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाला जो मार्केट का फ्लैग था, इसका भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देखी, यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। ये वाला जो लेवल है 45,484 का, यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग भी अच्छा मिला है। तो इम्पोर्टेंट लेवल जो हमारे लिए होने वाले हैं, अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है यहाँ पे इसी जोन में 45,400 से लेके 45,500, इस जोन में अगर ओपन होता है मार्केट, तो इसे हम पॉजिटिव मानेंगे। और ऊपर की साइड जो है, ये फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा, ये फर्स्ट टारगेट होगा 45,666 का, अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो, पॉजिटिव निकलता है तो। उसके बाद अगर देखेंगे तो सेकंड टारगेट हमारा ये वाला होने वाला है, ये जो हाई लगा चुका है यहाँ पे। ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है जो कि है 45,762 का। और थर्ड टारगेट जो होने वाला है यहाँ पे 45,887, ये हमारा होगा थर्ड टारगेट। और अगर मार्केट यहाँ पे इसी जोन में अगर कल, ये सबसे बढ़िया होगा कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करे, साइडवेज अगर मार्केट ट्रेड करता है तो बजट के दिन जो है हमें पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मार्केट जो है कल साइडवेज जाए पूरा, तो कल मार्केट ट्रैप भी कर सकता है, एक रेंज में ट्रेड कर सकता है मार्केट। तो कल जो है आप थोड़ा सा संभल कर ट्रेड कीजिए। और देखिए अभी ये पॉजिटिव साइड के हमारे लेवल्स हो गए, नेगेटिव साइड अब जहाँ हम कहाँ पे जाएंगे, जो 330 का जो लेवल है, 320 ये जो लो है, इसके नीचे हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। और फर्स्ट टारगेट जो होगा ये 100 पॉइंट का हमारा होगा, ये वाला जो डे लो है, सॉरी डे लो नहीं, ये जो लो लगा चुका है 45,200, ये वाला हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। उसके बाद सेकंड टारगेट जो है 45,000 का, ये फाइनल टारगेट होने वाला है 45,000 का, क्योंकि ये राउंड नंबर है। यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के मैं लेवल अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट में, पहले टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे 45,000 तक हम एक डिप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप फिलिंग भी लग रहा है, ये बाकी है पेंडिंग। तो यहाँ पे 45,000 तक आप टारगेट अचीव कर सकते हो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ऊपर की साइड आपको लेवल प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं। तो चलिए एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी ने भी आज काफ़ी अच्छा मूव हमें मिला है। निफ्टी में पूरे दिन जो है मार्केट, आज निफ्टी जो था पूरा पॉजिटिव में ही मार्केट था आज। जब से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कंटिन्यूस हायर हाई बनाते जा रहा था। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मेजर पुल बैक्स नहीं, इसे अगर छोड़ेंगे तो मार्केट कंटिन्यूस हाई हाई बनाते चल रहा था। तो ये भी पॉजिटिव ही है मार्केट, निफ्टी अगर देखेंगे तो। निफ्टी को भी हम पॉजिटिव मानेंगे जब तक ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता है, जो कि 21,670 का है, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन ज़्यादा नीचे की साइड जो है बड़े टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्केट जो है अभी बजट की वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है। तो अगर मार्केट ये वाला जो हाई आज, आज का अपना हाई, और ये वाला जो है ये अगर निकालता है मार्केट, अगर इसी जोन में अगर ओपन होता है 21,730 से ऊपर, और 760, 21,760 इस जोन में अगर ओपन होता है यहाँ पे, इसी जोन में कहीं पे ओपन होके अगर ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगा, तो फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा 21,800 हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है। ये वाला जो है ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट 21,800। उसके बाद अगर देखेंगे, एक मिनट में लेवल देख लेता हूँ पीछे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से। सेकंड टारगेट जो है हमारा 21,850 का होने वाला है, ये वाला ये होगा हमारा सेकंड टारगेट 850 का। और थर्ड टारगेट अगर देखेंगे तो ये जो गैप फिलिंग है ये हमें देखने मिल सकता है कल,
तो यहाँ तक जो है टारगेट हो सकते हैं 900 का। ये वाला जो है हमारा थर्ड टारगेट होने वाला है 21,900। ये होगा थर्ड टारगेट हमारा पॉजिटिव साइड के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होता है तो यहाँ पे अगर कुछ गैप डाउन अगर ओपन होता है मार्केट, तो हम शॉर्ट जब तभी करेंगे जब ये वाला जो लो मार्केट ब्रेक करेगा 680 का, इसके बाद ही हम शॉर्ट करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है इसके नीचे, अगर गैप डाउन खुलता है तो हम नीचे की साइड जो है ये वाले लेवल्स देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में 21,645। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद ये जो लो है 21,588 का, ये हमारा होगा सेकंड टारगेट ये वाला। और थर्ड टारगेट जो है ये हमारा फाइनल टारगेट होगा जो कि है 21,530 का। ये हमारा थर्ड टारगेट होगा और उसके नीचे अगर निकलता है तो हम डेलो भी देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि 21,425 का ये भी लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कल ही हो जाए, लेकिन और ये जो है मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट में है तो पॉजिटिव साइड ही हम ज़्यादा ट्रेड देखेंगे, क्योंकि बजट तक तो पॉजिटिविटी दिख रही है मार्केट में। जैसे हमें तीनों इंडेक्सेस में जो है क्लोजिंग जो आज की मिली है, तो उस हिसाब से पॉजिटिव मार्केट दिख रहा है। इसमें भी अगर देखेंगे इसी जोन में अगर मार्केट कल ट्रेडिंग करता है 600 से लेके 750 के इस जोन में अगर मार्केट कल साइडवेज जाता है, तो बजट के दिन हमें काफ़ी अच्छा मूव ऊपर की साइड देखने मिल सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ये वाला जो है मेरा चैनल का इंटरफेस है, आप देख सकते हो गोल्डन बुल्स नाम से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस, ये रेणुका शुगर और हिंदू बजाज हिंदुस्तान जो है इसका मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 दिन पहले मैंने बनाया था। और आज अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था 1:22 पे, तो बजाज हिंद जो है आज लगभग 9%, जब मैंने स्क्रीनशॉट निकाला था बाद में मैंने देखा नहीं कितना गया, तो लगभग 10% के आसपास ये अप मूव दे चुका है आज। और रेणुका शुगर जो है लगभग 1.5% के आसपास अप मूव दे चुका है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और डेली लेवल जो है मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। मैं कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कॉल्स भी देता हूँ यहाँ पे जो पेपर ट्रेडिंग के लिए होते हैं, तो इसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इसका जो है मैं एनालिसिस वीडियो है तो मैं इसका एंड स्क्रीन में वीडियो को डाल दूंगा, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो कौन से बाइंग लेवल थे, मैंने क्या एनालिसिस इसमें बताया था जो कि मुझे दिख रहा था यहाँ पे बाइंग हो सकती है, बाइंग आ सकती है इसमें। तो इसने काफ़ी अच्छा आज मोमेंट दिया है। ऐसे ही हमने बहुत सारे यहाँ पे अगर देखेंगे लॉन्ग का मैंने दिया था एनालिसिस वीडियो, मैंने बनाया था इजी मैट्रिक का बनाया हुआ है, सोना कॉम्स का बनाया हुआ है। उसके बाद अगर देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड, ट्राइडेंट, वेरॉक इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखे हुए, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।